शासन वाले बिहार में गुंडों की चलती है सरकार, ये हम नहीं, ये तस्वीर बयां कर रही है। किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में धारदार हथियार है, तो कोई लाठी डंडों से लैस है। गांव के बीचों बीच दबंगों ने इस जमीन पर कब्जे के लिए कहर बरसाना शुरू कर दिया। वारदात की पूरी तस्वीर, दबंगों की हैवानियत की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। देखिए कैसे गुंडे नीतीश के सुशासन राज में बेखौफ हैं। न शासन का डर है न प्रशासन का। कोई कच्चे मकान को तोड़ रहा है तो कोई रह रहकर हाथों में हथियार लहरा लोगों को धमका रहा है। दूर से देख रहे घर वालों ने जब अपना आशियाना बचाने की कोशिश की तो उन दबंगों ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी और उन्हें लहूलुहान कर दिया। अपने आशियाने को बचाने एक बुजुर्ग महिला बीच पहुंची, तब इन दबंगों ने बेशर्मी की हद पार की, बुजुर्ग महिला को जमीन पर पटक दिया। गुंडई की इन तस्वीरों से ज्यादा इस मामले में पुलिस का रवैया चौंकाता है। चंद कदमों की दूरी पर थाने में बैठी पुलिस ने न केवल सरे बाजार इस गुंडई को होने दिया, बल्कि गुंडई की इन साफ साफ तस्वीरों के बाद भी एफआईआर करने या कार्यवाही करने से मना कर दिया। लेकिन तस्वीरें जब वायरल हुई, पुलिस की फजीहत हुई, तब अधिकारियों की नींद खुली, तब जाके वरीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कार्यवाही का भरोसा दिया। अभी तक की जो जानकारी है उसमें दो व्यक्ति घायल हुए हैं जिन्हें सदर अस्पताल में वो इलाजरत है। उनका फर्द बयान अभी तक थाना को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें कई लोग झोपड़ी तोड़ते हुए और एक वृद्ध व्यक्ति और महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें अग्रतर कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष केसीओता को हमारे द्वारा निर्देश दिया जा चुका है और थानाध्यक्ष की जानकारी के अनुसार इस जमीन पर पूर्व में 144 लगाई गई थी और उसकी अवधि समाप्त हो गई, जिसका फायदा उठा करके इस तरह का कृत्य करने की सूचना मिल गई है, तो इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे गुंडई और दबंगई की खौफनाक मंजर से इलाके के लोग अब दहशत में हैं। अब इस घटना के सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या इसी पुलिसिंग के भरोसे बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं? क्या यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन राज है? हाजीपुर से